विश्वदर्पणदृश्यमानगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनिमायया भूतं यथा निद्रया यस्यात्मनः प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी वीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः तावद्रागादयस्तेनाः तावत्कारागृहं गृहम् यावन्तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः गृहस्थ और साधु। माँ जी ने बड़ी समझदारी से ये बात कही, ये जो ब्रजवासी गृहस्थ कृष्ण तुम इनके सदा ऋणी रहोगे, इनसे उऋण नहीं हो सकते। कृष्ण ने कहा कि जब मैं अपने आप को दे देता हूँ तो बड़े बड़े यति सती सन्यासी ऋषि मुनि कृतकृत्य हो जाते हैं और मैंने अपने आप को इन्हें दे दिया तो अब मैं इनका ऋणी कैसे रहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भजन में गृहस्थ और सन्यासी का भेद नहीं है, गृहस्थाश्रम में दोष क्या है? दोष ये है कि गृहस्थाश्रम में राग हो जाता है। तावत रागादय सेना, जब संसार में किसी से राग द्वेष हो जाता है तो वो हमारे मन को चुरा करके दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। सेन माने चोर, राग द्वेष आदि गृहस्थ के मन की चोरी करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या चोरी है। चोरी ये है कि आप जो है बंबई में और आपका दुश्मन है चीन में, तो आपके मन में जो उस चीनी दुश्मन के प्रति द्वेष है वो आपके मन को शरीर में से निकालेगा, बंबई में से निकालेगा, धीरे से चुरा लेगा, वो हिंदुस्तान में से चुरा लेगा और आपके मन को चीन में पहुंचा देगा। आपके मन की चोरी हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। आपके मन को चीन में दुश्मन के घर किसने पहुंचाया? आपके द्वेष। अच्छा, आप रहते हैं भारतवर्ष में और आपका यार रहता है अमेरिका में, तो आप ख्याल करोगे कि इस समय वो क्या कर रहा होगा? वाशिंगटन में है कि न्यूयॉर्क में है, अपने फ्लैट में है कि सड़क पर है? आपका मन वहां गली गली में भटकने लगेगा। भला आपके मन को यहां से वहां किसने पहुंचा दिया? आपके राग ने पहुंचा दिया। अब ऐसे ही आप समझ लो कि आपका मन पड़ोसी के घर में है, कि आपका मन सौत के घर में है, कि आपका मन यार के घर में है। आपके मन की चोरी हो गई है और आपको पता नहीं चलता है। आप जहां हैं वहां आपका मन नहीं है। तो गृहस्थाश्रम में एक दोष तो ये है, बोले अब तुम भगवान के बन जाओ। तो भगवान का बनना माने कोई हंसी खेल तो नहीं है।
भगवान का बनना माने हमारा कोई दोस्त दुश्मन न हो, जो भगवान का दोस्त सो हमारा दोस्त, जो भगवान का दुश्मन सो हमारा दुश्मन। जब तक अपने दोस्त दुश्मन हम अलग बनाते हैं तब तक हम भगवान के नहीं हुए। जो भगवान का हो गया वो भगवान की दृष्टि से सृष्टि को देखने लगता है। उनको जो प्यारा है सो हमारा प्यारा है, जो उनको प्यारा नहीं है सो हमारा प्यारा नहीं है। देखो, पत्नी जब पति के घर जाती है, ब्याह हो जाता है, तो पति का गोत्र ही पत्नी का गोत्र हो जाता है, फिर पति का धर्म ही पत्नी का धर्म हो जाता है, फिर पति के घर का आचार व्यवहार ही पत्नी का आचार व्यवहार हो जाता है। तो जैसे एक लड़की दूसरे गोत्र में, दूसरे वंश में, दूसरे माता पिता से पैदा होने पर भी जब ससुराल में जाती है तो सास ससुर उसके माता पिता हो जाते हैं, उसका वंश बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है, उसका संबंध बदल जाता है। ऐसे जब जीव संसार छोड़ करके भगवान का होता है तब उसके संबंध बदल जाते हैं। कि जब संबंध बदल गया तब देखो राग द्वेष का ढंग क्या हुआ, आपको सुनाते हैं। एक भक्त है, वो एक दिन मुझसे एकांत में बात कर रहे थे। तो उन दिनों हमको वेदांत का नशा जरा ज्यादा चढ़ गया था, तो बात ही बात में उन्होंने कहा कि थोड़ा भजन किया करो। बाकी मुझसे तो भजन नहीं होता है, हमको तो भजन करने की क्रिया और भजन का विषय और भजन का कर्ता ये सब मिथ्या भासते हैं कि हमारे स्वरूप में सब मिथ्या है। भजन का कर्ता, भजन की क्रिया, भजन का विषय, ये भजन की त्रिपुटी मुझ में मिथ्या भासती है, मेरी भजन में रुचि नहीं होती। जब मैं भजन करने बैठता हूँ तो ख्याल होता है कि ये तो मिथ्या है, तो उनकी आंख से झरझर आंसू गिर रहे। एक बात आपको, उनकी महिमा देखो, उनकी प्रतिष्ठा देखो। मैंने कहा क्या बात है, तो बोले कि तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। मैंने कहा करता हूँ। बोले कि मुझे प्रसन्नता हो ये चाहते हो कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ। वो बोले कि मेरा मन प्रसन्न हो ये चाहते हो, हाँ चाहता हूँ। तब देखो तुमसे मेरा मोह हो गया है, तुमसे मेरा राग हो गया है, मेरे मन में कोई विक्षेप न हो और मेरा मन प्रसन्न रहे इसके लिए तुम थोड़ा सा भजन रोज कर लिया करो। आखिर माँ के कहने से कुछ काम करते हो, पत्नी के कहने से कुछ काम करते हो, परिवार के कहने से कुछ काम करते हो, मित्र के कहने से कुछ काम करते हो, चेले के कहने से कुछ काम करते हो, तो ये काम मेरे कहने से भी किया करो, थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करो। ये बात मैंने आपको कम सुना, समझो उस भक्त का मेरे प्रति राग है, परंतु वो राग क्या चाहता है, क्योंकि वो भक्त है, वो भगवान का है, राग क्या चाहता है, ये कि हम भजन करें। तो उसका राग उसके मन की चोरी करके अमेरिका या रूस नहीं ले जाता, उसका राग उसके मन को भगवान के पास ले जाता है, और भगवान के पास उसके ही मन को नहीं ले जाता, दूसरों के मन को भी भगवान के पास ले जाता है। आई बात ध्यान में, वो भक्त का हमारे प्रति राग तो है, परंतु उसके मन में रहने वाला राग चोर नहीं है, उसके मन को दूसरी जगह नहीं ले जाता, उसका राग उसके मन को भी और जिससे राग है उसके मन को भी भगवान की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अब राग उसका चोर नहीं है। आप इस घटना की साह में मत जाइए, लेकिन भक्त के राग का स्वरूप तो देखिए, ये राग है। एक दिन मैं समझो सवेरे सो रहा, 4 बजे 5 बजे एक फकीर आ गया।
बोले अरे बचवा बचवा, हमको बचवा बोलते हो, हमारे गांव की तरफ अपने से छोटे को, बहुत छोटे को, बच्चे को बचवा करके बुलाते, बच्चे को बचवा बोलते हैं। बचवा अब ही तू वक्त हुआ, उठा उठा। अरे जाने दो, ए देखा सीधे से उठ के बैठ जा और भगवान का भजन कर। सवेरे सोए का बेला हो, उठ के भजन करा, नहीं तो मारा बेक चाटा, नींद भाग जाए, गुस्सा आया। ये आपको नमूना बताया है, बोला उनका गुस्सा था, पर उनका गुस्सा उनके मन को चुरा कर कहीं ले नहीं जाता। उनका गुस्सा भी अपने मन को और दूसरे के मन को भगवान के पास ले ऐसा सावध रागा दे सेना। जब भगवान का हो गया, भगवान का भक्त हो गया, तो उसके मन में भगवान के सिवाय और किसी से तो राग द्वेष होता नहीं। अच्छा, और राग की ये पहचान हमको ये बात मालूम है, एक आदमी का एक से राग था, उसको रास्ते में चलते चलते अमरूद के पेड़ पर एक बहुत बढ़िया अमरूद फला हुआ दिखा, बगीचा दूसरे का, पेड़ दूसरे का, बोला फल दूसरे, उसने झट जाके तोड़ लिया, तोड़ के जेब में रखा। बोले बाबा काहे को तोड़ते हो? अरे क्या तोड़ते हैं तो क्या हुआ? अच्छा तोड़ लिया तो खा लो। बोले वाह, हम कैसे खाएंगे? हम ले चल के अपने मित्र को देंगे खाने के लिए तो कितना खुश होगा। देखो ये राग है, दूसरे के बगीचे का फल छोड़ा, चोरी की और खुद नहीं खाया, अपने प्यारे के लिए ले गया। देखो संसारी राग की बात होता है, अमरूद को इधर अमरूद बोलते हैं कि नहीं, कुछ और बोलते हैं, वो तो अमृत है, गुजरातियों ने अमृत कर दिया उसका, हाँ अमृत। अब एक भक्त के मन में भगवान से राग है, तो उसको जब कोई अच्छी चीज मिलेगी तो ये सोचेगा कि हम इस अच्छी चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगा दें, उसके राग का स्वरूप ही होगा। उस समय ये नहीं सूझेगा कि हम इस अमरूद को कैसे तोड़ें, ये नहीं सूझेगा कि हम खाए लें, ये सूझेगा कि इसको हम भगवान की सेवा में लगा दें। अच्छा, तो एक और बात आपको सुना था, मैंने बहुत सरल करके मैं ये आपको सुना रहा हूँ जिससे भक्ति का भाव ठीक ठीक ध्यान में आवे। एक भक्त महात्मा थे, उनके पास एक बड़े भारी दिग्गज विद्वान आया, दर्शन कर आया, दर्शन किया, शास्त्र की चर्चा चली। अब वो तो महाराज लो तर्क पर तर्क, युक्ति पर युक्ति, प्रमाण पर प्रमाण, पंडित बड़ा भारी विद्वान। अब कहते हैं कि हे लो, ऐसा कौनो उपाय करा कि पंडितवा भगवान का भगत हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो कि ये पंडित भगवान का भक्त हो जाए। अगर इतना बड़ा पंडित भगवान का भगत हो जाएगा, कितना बढ़िया पंडित है, कैसा शास्त्र उपस्थित है, कैसी बुद्धि शुद्ध है, कैसी युक्ति है। भक्त ये नहीं चाहता कि हमारा कोई भक्त हो जाए, जो अपने अहम की पूजा चाहता है वो तो भक्त ही नहीं है, वो तो अभिमानी है। ये पंडित कैसे भक्त हो जाए? श्री रामानुजाचार्य जी ने एक दिन देखा एक संसारी को जो एक वेश्या के प्रेम में पागल था। रामानुजाचार्य ने सोचा इसके हृदय में इतना प्रेम वेश्या के प्रति है, अगर ये भगवान का प्रेमी हो जाता। देखो ये वासना हुई। किसी ने देखा एक वेश्या को, भक्त था, उसने कहा अरे ये संसारियों से पैसा लेती है और उनके सामने गाती है, बजाती है, नाचती है। अच्छा ओ सुनो, तुम ये सब काम क्यों करती हो? लोगों के सामने क्यों गाती हो, बजाती हो, रिझाती हो, नाचती हो, ऐसा क्यों करती हो? बोली पैसे के लिए। कहा जाओ, तुमको जितना पैसा चाहिए उतना हम देंगे, आज से तुम भगवान के सामने नाचो, गाओ, बजाओ। वेश्या को भगवान की सेवा में भेजती है। ये रागा दे सेना।
तावत् कारागृहम् गृहम्। गृहस्थ में दूसरा दोष क्या है? बोले हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर में दिया तलाई भी नहीं रहेगी, कोई न कोई उठा ले जाएगा। घर गृहस्थियों का बंधन तो यही है ना। बोले बहू घर की सफाई नहीं करती है, झाड़ू नहीं लगाती है, देखती नहीं है, हम जाएंगे तो घर गंदा हो जाएगा। वो तो सफाई नहीं करती है, सवेरे उठती नहीं है। हमारे पास ऐसे कहने वाले लोग आते हैं कि हम अगर घर छोड़ के चले जाएं तो घर में झाड़ू नहीं लगेगी, दिया नहीं जलेगा, रसोई नहीं बनेगी, आए गए को कोई खाने को नहीं पूछेगा। हम घर छोड़ के कैसे जाएं? घर क्या बनाया, अपने पांव में बेड़ी डाल ली। अब समझो एक भक्त के घर में गए, वो भी घर से कहीं बाहर नहीं जाते, नहीं जाते, पर उन्होंने घर में ठाकुर जी की पूजा जोड़ रखी है। और बोले हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, इनको भोग कौन लगावेगा, इनको फूलमाला कौन चढ़ावेगा, चंदन कौन लगावेगा। क्या महाराज हम आपके आश्रम में नहीं चलेंगे, आप ही आओ हमारे घर में रहो, थोड़े दिन हमारे ठाकुर जी का दर्शन करो, इनका प्रसाद पाओ, देखो क्या चमत्कार हमारे ठाकुर जी में है। वो घर का मोह नहीं है, हो वो घर का बंधन नहीं है। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि भाई अब तुम्हारे घर में तो बहुत रह चुके, अब हमारा मन है कि जरा वृंदावन चले दर्शन कर यहाँ। चलो महाराज, पूजा अपनी साथ में ली, संदूक ली, उठा के चले गए वृंदावन में। घर का क्या बंधन है, बंधन तो ठाकुर जी का है। ये बात है बोला। अब देखो भगवान का हो गया, वो भी कैसा विचित्र विचित्र होता है। संसारी लोगों के मन में मोह होता है, उनको सत्य और झूठ का ज्ञान नहीं होता है, कर्तव्य कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। गंगा में स्नान करते हैं और नर्मदा की याद करते हैं। अच्छा, जो गंगा में स्नान करते सब याद करेगा, गंगा जी उस पर खुश नहीं होंगी, नाराज हो जाएंगे, जिसका मन तो हमारे पास है ही नहीं। अरे भाई उसमें तो स्नान चाहिए, श्रद्धा चाहिए। हम नहीं पहचानते कि हमारे पास हमारे लिए कौन आता है। गंगा जी पहचानते हैं कि गंगा स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी पर कौन आता है, इसको पहचानती है गंगा जी। तो गंगा में स्नान करे और नर्मदा की याद करे तो गंगा जी के स्नान का जो फल है वो ढक जाएगा, गंगा जी खुश नहीं होंगे। हाँ ये बात है। अच्छा तुम सुन रहे हो कथा और बना रहे हो माला, समझ लो तो तुम्हारा एक मन तो गया माला बनाने में और एक मन गया कथा सुनने में। दिए की बत्ती बना रहे हो, घर के लिए सब्जी काट रहे हो, भाई सब्जी भी कट जाएगी, कथा भी सुन लेंगे, कान समझ तो पड़ जाएगी। अब वो कथा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगी? कथा तुम्हारे ऊपर खुश नहीं होगी, वो तो कथा का तिरस्कार हो गया ना। कथा को सिर्फ तुम्हारे शरीर के बैठने की जरूरत नहीं है, कान की भी जरूरत है, तुम्हारी आंख की भी जरूरत है, कथा को तुम्हारे दिल की भी जरूरत है, तुम्हारे दिमाग की भी जरूरत है। कथा तुम्हारा प्यार चाहती है कि कथा तुम्हारे मांस के लोथड़े को धरती पर बैठा के रखना चाहती है? तो भक्ति की बात सीखनी होती है। आपको देखो सुनाया, वो मैंने पहले एक दो को संस्मरण सुनाए हैं वो, क्योंकि हमको कल्पना नहीं आती है ना, तो हम पीछे की याद करते हैं कि इस बात से मिलती जुलती कोई घटना कभी घटित हुई है कि नहीं। कावन मोहम गृह निगडो तावत् कारागृहम गृहम यावत् कृष्ण न ते जनाः। जब श्री कृष्ण के हो गए तो मोह हुआ, मोह से आदमी बच जाता है। एक आदमी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। जब घर वालों ने बहुत जोर दिया तो ब्याह कर लिया। अच्छा भाई ब्याह कर लिया, भजन करने जाएंगे। तो लोगों ने कहा भाई एक तो बच्चा हो जाने दो कम से कम। तो बच्चा हो गया तो जरा होशियार हो जाने दो, होशियार हो गया। बोले अब जरा ब्याह हो जाए, ब्याह
कि जरा इसके भी बच्चा कच्चा हो जाए। अब इसका कभी अंत आवेगा? ये संसार अपने आप कभी नहीं छूटता। जिसको एक जगह जाकर कहीं न कहीं अगर तुम्हें इससे छूटना है तो एक जगह छोड़ना पड़ेगा, कहीं न कहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे खाने पीने में कोई धर्म नहीं है, कोई नियम नहीं है, उनके सामने हम ऐसी 50 चीज का नाम ले सकते हैं जिसको देखते ही कहेंगे बाबा रे बाबा मैं नहीं खाऊंगा। तो आखिर वो 50 चीज नहीं खाते हैं ना? तो जब 50 चीज नहीं खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ खा सके। बोला सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ खा सके और सबका खा सके। तो कहीं न कहीं जीवन में नियम धारण करना पड़ेगा कि नहीं, कि ये चीज छोड़ देना पड़ेगा, ये चीज हम नहीं खाएंगे, इनका हम नहीं खाएंगे। तो जब कहीं न कहीं तुमको नियम बनाना पड़ता है तो शुरू में ही क्यों नहीं बना लेते कि जो धर्म के विरुद्ध है सो नहीं खाएंगे। अगर तुम अपने जीवन में कोई नियम न रखो तो हम छुट्टी दे सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। जब कहीं न कहीं तुम्हें मर्यादा का पालन करना ही है, किसी से तुम कह सकते हो कि नहीं कि हम तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, किसी से ये कह सकते हो कि नहीं कि ये पानी हम नहीं पिएंगे, किसी से ये कह सकते हो कि नहीं कि ये खाना हम नहीं खाएंगे। तो जब एक जगह तुम कहने के लिए तैयार हो जाते हो तो शुरू में ही बता दो कि हम ये नहीं खाएंगे और तुम्हारी गुजर हो जाएगी। ये मोह बहुत मानता है, ये चित्त का मोह है और ये पांव पकड़ के संसार में फंसाता है। जरा भगवान के बन जाओ, बोला भगवान से तो देखो क्या मजा आता है। अपना घर मंदिर हो जाएगा, अपना राग भक्ति बन जाएगी, अपना मोह प्रेम की दृढ़ निष्ठा बन जाएगा। जरा उसके हो के तो देखो। यावत कृष्ण न थे जना, इसका अर्थ क्या हुआ कि भक्त के लिए घर और वन का भेद नहीं है। जब भक्त स्वयं भगवान का हो जाएगा तो भक्त का सब कुछ भगवान का हो जाएगा। ऐसे वृंदावन के लोग मानते हैं कि वृंदावन में चार अंगुल तुम्हारी धरती हो या एक पेड़ हो तुम्हारा, बोला तो क्या कहोगे? ये मेरा पेड़ है। ये बोलोगे ये मेरी ईंट है, ये चार अंगुल मेरी धरती है। बोले वो मोह है कि नहीं, वो घर है कि नहीं, और राग है कि नहीं? बोले नहीं, वृंदावन तो भगवान का है। भगवान की वस्तु से राग होना भी भक्ति है। भगवान के धाम में पैर जम जाना भी भक्ति, एक चप्पे में मेरा होना भी भक्ति है। भगवान की वस्तु में मोह होना भी भक्ति है। असल में देखो भक्ति क्या है। तुम राग करते हो किससे? तो हमको तो शब्द ही भूल जाते हैं। आजकल नए ढंग के लोग आते हैं ना तो अंग्रेजी में बोलते हैं। कहाँ गए थे भाई? हमारा एक फ्रेंड है उसके यहाँ गए, तो उसके साथ बॉय की क्या और कुछ लगाते हैं, बॉय फ्रेंड। अच्छा हाँ, एक और एक गर्ल फ्रेंड भी है। हे भगवान, तो उनसे होता है राग। अब देखो उनसे जो तुम्हारा राग है उसमें से वाय को और गर्ल को निकाल दो। अब तुम अपना मित्र भगवान को बना लो तो वो तुम्हारा राग भक्ति। अपने घर में भगवान की स्थापना कर लो, तुम्हारा घर मंदिर है। अपना मोह जो परिवार में है, कुटुंब में है, उसको भगवान के साथ जोड़ दो, उसका नाम भक्ति है। तो अब तुम्हारे घर और वन में कोई फर्क नहीं। तो बोले घर और भगवान क्या देंगे? बोले घर में रह के भजन करोगे तो भजन अधिक होगा, भजन ज्यादा हो जाएगा तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोले कि अच्छा भाई, जैसे हम सन्यासियों को अपने आप का दान कर देते हैं वैसे इन भक्तों को भी अपने आप का दान कर देते हैं।
बोले नहीं इतने ही नहीं, केवल अपने आप का ही दान नहीं करेंगे, आपको भक्ति की बात सुनाते हैं। जरा जोश में आके व्याख्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तब भी तुम मुरण नहीं हो सकते, क्योंकि जो पूतना को दिया, जो बकासुर को दिया, जो अघासुर को दिया, और जो मुक्ति चाहने वाले सन्यासियों को दिया, वही यदि इन प्रेमी भक्तों को भी दोगे तो उऋण नहीं हो सकते, हम तुम्हारे ऋणी हैं। ऋणी कह देने से थोड़ी उद्धार हो। और फिर कोई भक्त भगवान को ऋणी बनाना चाहेगा कहीं, तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमने पूतना को मुक्ति दे दी, घासुर को मुक्ति दे दी, बकासुर को मुक्ति दे दी, सन्यासियों को उनके आत्मा के रूप में मिल गया, भक्तों को अपने लोक में उठा के ले गया, पर ब्रजवासियों के साथ तुम कुछ कहो तो और भी करेंगे, और क्या करोगे, और ऐसा करेंगे जो किसी के साथ नहीं किया। इनकी गोद में शिशु बन के इनका दूध पिएंगे, माता की गोद में उसके वक्षस्थल पे हो नंगे होके सट जाएंगे, उसके पेट में रहेंगे भीतर और उसके बाहर भी पेट पर सट जाएंगे, और उसका दूध पिएंगे, और वो उचकावेगी तो हंसेंगे, वो हिलावेगी है ना गोद में लेके तो खुश होंगे, वो भी खुश हो जाएगी, उसको खुश कर देंगे, बच्चा बन के खुश करेंगे, फिर उसकी चोटी खींचेंगे, उसकी नाक में उंगली डालेंगे, उसके ऊपर कभी मूत देंगे, तो हमारा भक्त कितना खुशी होगा। पूत को मूत प्रयाग को पानी, ये गृहस्थों में मशहूर है वो कि पूत को मूत, बच्चे का जो मूत्र है ना वो तो त्रिवेणी का गंगा जल है, बोला त्रिवेणी का जल है पूत को मूत, तो हम भी मूत देंगे, काब तो खुश हो जाएगा हमारा भगत, देखो ऐसी चीज दी। अच्छा उसके हाथ से माखन रोटी खा लेंगे, उसके बुलाए बोलेंगे, उसके नचाए नाचेंगे, उसके हंसाए हंसेंगे, उसके गवाए गावेंगे, है ना, उसकी बिल्कुल कठपुतली बन जाएंगे, उसके लिए चोरी करेंगे तो कहेगा चोर चोर, उससे छेड़खानी करेंगे तो कहेगा ये बदमाश है ना चंचल, उसकी सब सहेंगे। जैसे सन्यासियों के आत्मा हो जाते हैं वैसे नहीं होंगे, उनके चोर हो जाएंगे, उनके जार हो जाएंगे, उनके ब्याहते हो जाएंगे, सब कुछ उनके हो जाएंगे, जो कहो, क्योंकि भगवान को पाप पुण्य का तो कोई ख्याल ही नहीं है, और सुख दुख कभी होता ही नहीं, और जैसे भगत रिझ हैं वैसे रिझाते हैं। भगवान भक्तों की कठपुतली, संपूर्ण विश्व के लिए वो ईश्वर होंगे। जसोदा मैया पूछती है कि लाला, हाँ भैया, का उस दिन मदारी आया था तो बंदर को नचा रहा था, तो बंदर कैसा नाचता था बेटा, तो झट एक डंडा ले लिया, अपने कंधे पर रखा और दोनों हाथ उस पर दबाए, बोले वो बनरिया को कैसे मनाता था बेटा, तो झट एक गोपी बैठी थी उसके पास पहुंच गए, करी गोपी तेरा पांव छो तू मान जा, तू मेरी घर वाली है। माय के बच जा है ना, अरे बाप रे, गोपी के क्या करते हो, देख मैया को बताता हूँ कि बानर बनरिया को रूठने पर कैसे मनाता है, ये मैया को दिखा रहा हूँ। बोले कि ये काम किसी सन्यासी के साथ करोगे, नहीं, देखो ब्रह्मा जी ये काम मैं किसी सन्यासी के साथ नहीं करूँगा, किसी सती सावित्री के साथ नहीं करूँगा, किसी धर्मात्मा के साथ नहीं करूँगा, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ नहीं करूंगा, ये काम तो मैं अपने प्रेमियों के साथ करूंगा ना, तो सन्यासियों से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों ने बंदर की नाच कभी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, हमको नहीं मालूम, अब हमने तो खूब गौर से देखा है, हम करके दिखा सकते हैं आपको, जब आगे आगे बनरिया रूप के चलती है और वो पीछे डंडे में पोटरी बांध के उसके पीछे पीछे चलता है ना, कहाँ से आ रहे हो, बोलता है।
कि तुम ससुराल से अपनी बहू को विदा करा के आ रहे हो और वो सिर हिलाता है और पीछे पीछे चलता है। तो बोले कि हम अपने प्रेमियों के साथ हम ऐसे करने को तैयार हैं, कठपुतली बने उनके, बंदर बने उनके, चोर बने उनके, जार बने उनके, उनके खिलाए खाए, उनके नचाए नाचे, हम ईश्वर होके अपने प्रेमी के पराधीन हो जाते हैं। ये बात क्या किसी सन्यासी को प्राप्त हुई है कभी? ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर भी तुम मूर्ण नहीं हो सकते प्रेमियों, क्यों लो इतना करने पर भी नहीं हो सकते का? नहीं हो सकते। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विदम वयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रतितुम प्रभो। स्वामी तीन लोक के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तुम अपने स्वरूप से निष्प्रपंच हो, न किसी के पेट में आते हो, न किसी के बच्चे बनते हो, न दूध पीते हो, हैं, न मूतते हो, न चोरी करते हो, न रूठते हो, न मनाते हो, न जार होते हो, तुम तो बिल्कुल निष्प्रपंच हो। और ये सब जो अपने प्रेमियों को खुश करने के लिए करते हो, वो तो प्रपंचम विडम्बयसी, वो तो परपंच फैलाते हो, एक स्वांग करते हो, एक नाटक करते हो। सचमुच तुम चोर नहीं हो जाते, जार नहीं हो जाते, बच्चे नहीं हो जाते, बंदर बंदरिया नहीं हो जाते, वो तो एक नाटक रचते हो ना। तो कहां इन ब्रजवासियों का सच्चा प्रेम और कहां जने जने के साथ तुम्हारा नाटक? ये नाटक क्योंकि तुमको मालूम रहता है कि मैं जो हूँ तो आई हूँ, ये सब करने कराने से हमारा क्या बनता बिगड़ता है। अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को जानते हुए, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानते हुए ये प्रपंच वंचना करते हो, तो इस प्रपंच वंचना से भक्तों के सच्चे प्रेम का कभी बदला पूरा हो सकता है? आप ईश्वर हैं तो क्या, लेकिन अपने प्रेमियों के सच्चे प्रेम का बदला इस स्वांग के द्वारा नहीं चुका सकते। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विदम वयसि भूतले प्रपन्न जनतानंदो संदोहम प्रतितुम प्रभो। वो तो उनको खुश करने के लिए जैसे कोई कहानी सुना दे, चुटकुला सुना दे, लतीफा सुना दे, थोड़ी आंख मटका दे, थोड़ी कमर हिला दे, ये स्वांग करके जैसे सामने वाले को रिझावे, वैसे ये सब तुम्हारा स्वांग है। और अपने प्रेमी जनता को आनंदित करने के लिए ये सब प्रपंच रचना तुम करते हो, इसलिए तुम अपने प्रेमी भक्त से कभी उऋण नहीं हो सकते। बात वहीं की वहीं पहुंची। बोले ब्रह्मा जी, तुम तो हमारी सब पोल पट्टी जान गए कि हम तो सिर्फ स्वांग ही करते हैं, माया फैलाते हैं, परपंच करते हैं, ढोंग करते हैं, तुम तो तत्वज्ञानी की तरह बात कर रहे, जान गए तुम हमारी में। जी ने कहा ना 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 ना, कर ऐसी बात मत कीजिए, आप हमको फिर से अभिमान में डालना चाहते हैं क्या? देखो मैं पहचान गया, इसलिए जब आपने अघासुर को मुक्ति दे दी, अघ को रात्रौ चोर प्रसंगे ना, आपने अघासुर को मुक्ति दे दी, आपने ग्वाल बाल भक्तों को ये दिखाया कि देखो हम अपने प्रेमियों भक्तों के लिए पाप के पेट में अघासुर के शरीर में भी घुस जाते हैं वक्त में। अच्छा एक सच्ची बात आप बताओ कि आप पहले से अघासुर के पेट में मौजूद थे कि नहीं? भाई मौजूद तो थे। तब हम अपने भक्तों के लिए अघासुर के पेट में प्रवेश कर रहे हैं, ये ढोंग की बात हुई कि नहीं? कहा ब्रह्मा जी तुम ठीक समझ गए। अच्छा जब मैं आया और मेरे मन में कुछ और मंजुल लीला देखने की रुचि हुई कि कृष्ण कोई और मंजुल महिमा दिखावे, तुम्हारे भोजन करते समय मैंने बछड़ों का हरण कर लिया और बछड़ों के ढूंढते समय ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया, तुम समझ गए कि नहीं?
समझ तो गए कि ब्रह्मा जी ने हरण किया है, तब अनजान क्यों बने रहे? अनजान पने का ढोंगा ही तो किया ना, स्वांग ही तो किया ना, नाटक किया ना। जब तुम सब ग्वालिनों के बच्चे बनकर उनका दूध पीने लगे और सब गायों के बछड़े बनकर पीने लगे तो तुमको ये ख्याल था कि नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ? बोले ख्याल तो था, कि तब बच्चा और बछड़ा बनने का ढोंगा ही तो किया ना। तो मैं समझ गया स्वांग से तुम इन सच्चे प्रेमियों से मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी तुम समझ गए? नहीं नहीं, समझ कहाँ गया, तुम्हारा खेल समझना क्या मामूली है। जानंत एव जानंतु किम बहु ध्यान मे प्रभो मनसो बपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। जानते हैं सो जाने, ये जाने ही ते जानहु स्वामी। हे स्वामी, जो जानते हैं वो जानते रहें, जाना करें, हमको उनकी जानकारी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बहुत आपके सामने क्या बोलूं, मनसः मे बपुषः मे वाचा तव वैभवम गोचरो न भवति। तव मनसः तव बपुषः तव वाचः वैभवम मे मम गोचरो न भवति। अच्छा, अब इस प्रसंग को कल